टॉस भले ही राजस्थान रॉयल्स ने जीता, लेकिन पूरे मैच पर प्रीति के किंग्स का ही कब्जा रहा। आलम यह था कि गुवाहाटी के बरसा पारा स्टेडियम में छक्के चौकों की बरसात होती रही और रॉयल्स के गेंदबाज दर्शक बने देखते रहे। दरअसल टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने धवन के रणबांकुरों को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, लेकिन विकेट कीपर कप्तान का ये फैसला गलत साबित हुआ और पंजाब के कप्तान धवन के बल्ले से शुरुआत से ही आग उगलना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर प्रभसिमरन सिंह का भी पूरा सहयोग मिला और देखते ही देखते दोनों ने पहले विकेट के लिए 90 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी कर डाली। हालांकि पंजाब का पहला विकेट गिरने के बाद कोई बड़ी साझेदारी नहीं हुई, लेकिन खब्बू बल्लेबाज धवन ने कप्तानी पारी तो खेली ही, साथ ही रनों का पहाड़ भी लगा दिया। शिखर की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब ने राजस्थान को जीत के लिए 198 रनों का लक्ष्य दिया। पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते उतरे रॉयल्स की पंजाबी बॉयज के सामने एक न चली और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने राजस्थान पर डबल अटैक किया और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रविचंद्रन अश्विन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। लक्ष्य बड़ा था और दबाव ज्यादा, ऐसे में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने बल्ले से मोर्चा संभाल और किंग्स के गेंदबाजों का डटकर सामना किया। संजू धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन 10वें ओवर की आखिरी गेंद में सैमसन की इनिंग को 42 रनों पर खत्म कर दिया। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल और रयान पराग ने तेज रफ्तार से रन जरूर बनाए, लेकिन वो टीम के लिए नाकाफी रहे। वहीं इंडीज बल्लेबाज सिमरन हेटमायर के ताबड़तोड़ 36 रन और ध्रुव के नाबाद 32 रन ने मैच को रोमांचक जरूर बना दिया था, लेकिन फिर भी राजस्थान की टीम लक्ष्य से 5 रन पीछे रह गई। लगातार 2 जीत के साथ पंजाब की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, तो वहीं राजस्थान की टीम 1 जीत और 1 हार के साथ अंक तालिका में 4th स्थान पर है।